वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ स्वरा एंड आज की वीडियो में मैं बनने वाली हूँ प्रिंसेस फॉर 24 आवर्स। सो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्रिंसेस बनना मेरा बहुत सालों का सपना था कि एक दिन मैं भी प्रिंसेस बनूँ। तो पूरे साल के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए नहीं, लेकिन मैं 24 घंटे तो प्रिंसेस बन सकती हूँ। तो या गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करने वाली हूँ और ये है मेरा असिस्टेंट जो कि 24 आवर मेरा काम करेगा। जो मैं इसे बोलूँगी ए टू जेड इसे करना ही पड़ेगा विदाउट रोक टोक। तो या गाइस, आपको जाननी है कि मेरी शुरुआत दिन की कैसी, तो इस वीडियो को देखते रहो। एंड या अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। एंड हाँ, इस वीडियो को मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ ए टू जेड फिर से, एंड क्यों तो कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आटा लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा सर्वेंट कहाँ है? जल्दी से हमारे ऊपर फूल बरसाए जाए। ओह माय गॉड, थोड़ा आराम से तुम मेरे ऊपर फूल मार रहे हो या फिर प्यार से बरसाओ यार। प्रिंसेस जग चुकी है, अपनी निद्रा उन्होंने पूरी कर चुकी है। वाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे दिन की शुरुआत ऐसी हो रही है। पहली बार मेरे ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, वरना मम्मी मेरे ऊपर चप्पलें बरसाया करती थी। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं चाहती हूँ मुझे देखने वाली हर एक लड़कियाँ प्रिंसेस बने और अपने भाई को सर्वेंट बनाए। अब मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ साथ मेरे पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। तो तुम जल्दी से बताओ कि मेरे नाश्ते में क्या क्या है। सोने की गाय का दूध और सेकंड है थाईलैंड के अंगूर। दूध कौन पीता है सुबह सुबह, मुझे दूध नहीं पीना। तो फटाफट जाओ मेरे लिए अंगूर लेकर आओ क्योंकि अंगूर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड अंगूर खाने से, फल खाने से हमारी त्वचा जो है वो चमकती है। तो एक प्रिंसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसकी त्वचा और उसका पूरा सौंदर्य हमेशा के लिए बना रहे। इसीलिए तुम खड़े क्यों हो, जल्दी से जाओ मेरे अंगूर लेकर आओ। तो हमारे लिए ताज़े ताज़े अंगूर आ गए हैं, तो अब मैं उसे खाना शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख लग जाती है। ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये तुम गिरा क्यों रहे हो। एक अंगूर की कीमत पता है कितनी है? ऊपर से मैंने छू लिया तो करोड़ों की कीमत होगी। सो गाइस, प्रिंसेस यानी प्रजा की सो कॉल्ड दुलारी का मेकअप होने वाला है क्योंकि प्रजा इनको ऐसी देख लेगी तो डर जाएगी। तो अब बारी है मेरे उस प्रिंसेस वाले कपड़े को पहनने के लिए जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सो अभी मैं जल्दी से अपने बाल को स्ट्रेट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल मैंने आज धुले हैं तो थोड़े से कर्ल हो चुके हैं। तो अभी मैं अपने बाल को स्ट्रेट करूँगी, उसके बाद मैं अपने कपड़े को पहनूँगी। तो चलिए जल्दी से मैं अपने ड्रेस को पहनती हूँ और अपने बाल को कर्ल करती हूँ, मेकअप सब कुछ जल्दी से करती हूँ। यार, ये नसीब मुझे कब से नहीं मिला था जिसका आज मैं आनंद उठाने वाली हूँ और अपने भाई से अपने बालों को स्ट्रेट कराने वाली हूँ। अब मेरे बाल होने वाले हैं स्ट्रेट, तो जल्दी जल्दी से मेरे बाल स्ट्रेट कर दो ताकि मैं अपने गाउन को पहन सकूँ। हाफ बाल हो चुके हैं कट और ये हाफ गाइस हो रहे हैं, अभी थोड़े से बाकी हैं। तो मैं पूरे बाल अपने कर्ल करके आपसे मिलती हूँ। और अपने मेरे बाल हो चुके हैं कर्ल्स एंड इसे करने नहीं आया तो अच्छे से हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो प्रिंसेस हूँ तो मुझे तो ये भी काम करना नहीं है। तो इसे आ नहीं रहा था बट फिर भी कोई बात नहीं, काम चलाऊंगा। तो मेरे कर्ल्स हो चुके हैं, मैं जल्दी से जाती हूँ अपने कपड़े को पहनती। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपना गाउन। तो ये रहा मेरा गाउन जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो मैं इसे पहन लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, सो गाइस, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, मेरा मेकअप हो चुका है, मेरा हेयर हो चुके हैं, मैंने अपने ड्रेस को पहन लिया है जो कि पिंक कलर का है। तो आई होप
कि अब मैं थोड़ी सी प्रिंसेस लग रही हूँ ऑलमोस्ट, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड मेरे रिंग्स भी पहन लिए, मेरे नेल पेंट्स भी हो चुके हैं, एंड ये गाउन बहुत ही ज़्यादा भारी है, लेट मी शो यू। तो ये रहा मेरा गाउन जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी है। ठंड भी लग रही है क्योंकि मैंने हाफ स्लीव्स पहने हैं। तो या बस यही देख ही रहे हो कि मैंने इस ठंडी में क्या पहना है। ड्रेसेस दूँ तो मुझे बनना ही था। तो आई होप मैं आप लोगों को भी प्रिंसेस लग रही हूँ। तो अब मैं जाती हूँ अपने प्रजा से मिलने और थोड़े से फोटोशूट करवाने, अपना इंट्रो शूट करवाने, क्योंकि अब इतना कुछ पहन ही लिया है, इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लिया है। तो चलते हैं आप फोटोशूट करवाते हैं और प्रजा से मिलते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गो। बाहर आ चुके, मुझे अपनी छत पे जाना है क्योंकि मुझे छत पे कुछ शूट करना है। सारी वीडियोस आगे की जो वीडियोस हैं कुछ वो मुझे छत पे शूट करनी है। तो ये रहा मेरे भाई के पास ट्राइपॉड, एंड मैं बाहर थोड़ी सी बंदरिया लग रही हूँ क्योंकि सब कुछ रेड रेड हो रहा है, तो इसीलिए। तो अभी मुझे छत पे जाना है। पता नहीं मैं ये पहन के, ये इतना भारी पहन के मैं कैसे छत पे जाऊँगी, तो चलिए देखते हैं। सारी ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि अगल बगल के सारे लोग देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ इतनी ठंडी में। सो गाइस मैं आ गई और मुझे बहुत ज़ोरों की ठंड लग रही है, बट अब क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर से मैं स्वेटर पहनूंगी नहीं, इसीलिए मैं ऐसी हूँ। तो अब काफ़ी मुझे करना ही पड़ेगा। गाइस अब मेरा इंट्रो शूट होने वाला है, तो तुम बताओ मेरा इंट्रो कैसे शूट होगा। आपको मंकी तरह ऐसे से डांस करना, मंकी की तरह। यहाँ पे बंदरों की कमी नहीं है तो मैं भी उनका पूरा कर दूँ क्या? हाँ क्या, तो बंदरों की प्रिंसेस बनी है इसलिए। तो जल्दी से अपना इंट्रो मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा एंड ठंडी और भी ज़्यादा पड़ जाएगी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जल्दी से अपना इंट्रो स्टार्ट कर लेते हैं। तो तुम रेडी हो? नहीं। अरे तो रेडी बोलो ना, तभी ना होगा। गाइस बहुत ही ज्यादा हैवी है तो मैं गोल गोल राउंड नहीं कर पा रही हूँ। चलो सेकंड टेक ले। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है क्योंकि मैं गोल गोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरी ये पैर में फंस जा रहा है। आप देख सकते होंगे कि इसमें कितने सारे लेयर्स हैं, तो ये पैर में फंस जा रहा है जिसकी वजह से अगर मैं गिर गई तो मेरे दांत भी चले जाएंगे। तो मैं कहलाऊंगी दुनिया की पहली विदाउट दांत वाली प्रिंसेस। तो आप सेकेंड टेक लेते हैं, देखते हो पाता है। गाइज अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ऊपर सूरज भी है तो थोड़ी सी धूप भी है ऊपर, तो ठंडी से थोड़ी सी राहत तो मिल भी गई है। बट मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि इधर जितने भी घर हैं ना, हर तरफ सारे लोग हैं, तो सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आगे पीछे जितने भी घर हैं सबके छत पे सारे लोग देख रहे हैं, एंड यहाँ पे पता नहीं कौन चिल्ला रहा है इतने गंदे आवाज में। देख लेना चिल्ला रहा है, पागल हो रहा है लोग। सच में किसे मिल रहा है, किसे मिल रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, बट मेरे पीछे बहुत इस साइड सारे लोग हैं जो देखे जा रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, यही तो चैलेंज है वीडियो का। हेलो कर लीजिए सबको। मैं सबको हेलो हाय कर देती हूँ, बट वो सोचेंगे कि ये हेलो हाय क्यों करिए, ये पागल तो नहीं हो गई है। तो मैं जल्दी से अपना इंट्रो शूट कर लेती हूँ, जितना भी जो कुछ भी शूट करना मैं जल्दी से शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और अपने प्रजा से आपसे मिलवाती हूँ। गाइस फाइनली मेरा आउट्रो शूट हो चुका है, एंड मैं ज़्यादा मैं मतलब सब कुछ सही से हो जाना था, लेकिन मैं बार बार गिरने वाली थी ना। अगर मैं गिर जाती तो सारे लोग हंसने लगते, बट फाइनली मेरा आउट्रो शूट हो चुका है, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि इतना भारी है ना ये। आप प्रजा से मिल रहा है? अब मुझे अपनी प्रजा से मिलना है जो कि है ही नहीं, बट फिर भी थोड़ी सी एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। सो गाइस मेरी प्रजा आ गई। हाय, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हिसाब से चावल दाल मिलता है ना? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मेरे से मुझे।
खाना है क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी इस पर गिर जाए और ये गंदा हो जाए, क्योंकि इसे धुलने में या फिर जो भी हो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। एंड इस पर कुछ गिर जाएगा तो मम्मी मुझे छोड़ेंगी नहीं, बोलेंगी कि वीडियो के चक्कर में तो इतना नुकसान करती हूँ चीज़ों का, तो उसके मुझे सोना भी है, तो मैं इस कपड़ों में मैं सो नहीं पाऊँगी, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर कोई हाथ ही लेटी हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो एक प्रिंसेस को आराम भी तो चाहिए, तो मैं इन कपड़ों को चेंज कर लेती हूँ। आई थिंक ये कोई भी प्रिंसेस नहीं होगी जो कि अपना गाउन पहन के सोती हो, तो जितना मुझे करना था मैंने उतना कर लिया। जल्दी से बताओ कि मेरे खाने में क्या है। अब खाने में आपके लिए चिप्स है, केक है और जूस है। जल्दी लेकर आओ क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा है जल्दी। ओह माय गॉड, मैं कुछ ज़्यादा ही यू नो एक्साइटेड हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच। ओ एक्सक्यूज मी, मैं क्यों पकड़ूँ, तुम्हें पकड़ना है ना, तो पहले आराम से बैठ जाओ एंड तुम पकड़ो। एंड ये क्या है, एप्पल रियल फ्रूट जूस, क्योंकि आप सभी को पता है कि रानियों को एंड जितने प्रिंसेस होती है उन्हें अपनी त्वचा की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, इसीलिए मुझे एप्पल का रियल फ्रूट जूस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी और ये स्पेशल शिमला की मंगाए हुए एप्पल स्कल्स है, और ये स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये सारी चीज़ें मेरी मन पसंद की हैं, तो ये मैं पहले खा लेती हूँ। संगीत गाया जा रहा है, मैं इस माहौल को एकदम एंजॉय करना चाहती हूँ। संगीत गाइए। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हारा गाना सुनकर। प्रिंसेस ही सबसे महान है। मेरी तारीफ हर जगह, प्रिंसेस पागल होकर जल्दी जल्दी खा रही है। तो ये मेरा बच्चा हुआ खाना खाता है जिससे इसका पेट भरता है फिरोज। तो अब मुझे थोड़ा सा मसाज चाहिए, जैसे मेरे बालों को, मेरे महारानी का मसाज करना। मेरे रूम में अरोमा का व्यवस्था करो और मुझे मसाज चाहिए। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फूल की बरसातें भी हो, तो तुम इसका व्यवस्था करो, तब तक मैं अपने ऑडियंस से थोड़ा सा बात। तो रॉयल जो है, रॉयल महारानी जी, इनके लिए अरोमा का व्यवस्था करना पड़ेगा इनके लिए अरोमा का व्यवस्था करना पड़ेगा और साथ ही साथ इनका गल सर दबाना है। लेट्स सी वो पता कि हो जाएगा जल्दी क्लीनी। आहा, तब तक मैं इसे खत्म कर लेती हूँ। कि एप्पल का जूस नहीं लग रहा बाय द वे। ओहो, इतना मजा आ रहा है हेड मसाज अरोमा सेशन के साथ, प्लस ये रियल फ्रूट जूस। मतलब इतना मजा मुझे कभी आया था नहीं। मन कर रहा है गला ही दबा रहे। अरे तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम मेरा गला दबा रहे हो। नहीं नहीं प्रिंसेस के सोने का टाइम हो गया, एंड इसी के साथ साथ ये वीडियो भी ओवर हो रही है। तो ये वीडियो आप, जैसे कि आप लोगों को पता ही, हम लोग सेकंड टाइम शूट कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद नहीं हो तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो का भी सजेशन देना। क्योंकि अब मैं सोने जा रही हूँ, सोने के टाइम तो मैं अपनी प्रिंसेस गिरी दिखाऊंगी नहीं, इसीलिए मैं सोऊंगी तो अपने हिसाब से, और उसके बाद अगले दिन सुबह हो जाएगी और 24 घंटे पूरा पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद इस वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी या फिर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बताना। टिल देन बाय, टेक केयर एंड बाय, व्हाट एवर यू वॉन्ट बट डोंट ट्रबल योर मॉम ब्रदर। सो चल अब हटो, अब मुझे सोना, अब हट जाओ। हाँ मुझे भी सोना, क्योंकि मैंने अब तो इनको ऐसे 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 अब पूरी रात बाकी है। अभी भी मैं प्रिंसेस हूँ, लेकिन मैं तो चला सुनी, बाय 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 बाय। अभी मैं प्रिंसेस हूँ, जल्दी से कैमरा ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, फुट लो। सो गाइस बाय।